हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको भूरे कुम्भड़े से बरी बनाना बताऊंगी और गांव का देसी तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स, ताकि आपकी बरी बिल्कुल सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 1 kg उड़द दाल ले ली है। ये छिलके वाली दाल है, तो यहाँ पर मैंने ये लिया है। यदि आपके पास बिना छिलके वाली दाल है तो वो ले सकते हैं। इसमें पानी भरकर 8 से 9 घंटे के लिए इसको भीगने के लिए रख देंगे, या आप रात भर के लिए भी पानी में भिगोकर रख देंगे तो इसके छिलके हैं जो सॉफ्ट पड़ जाएंगे। 8 से 9 घंटे में दाल अच्छे से भीग कर रेडी हो जाती है। यदि आप छिलके वाली दाल ले रहे हैं तो इसको धुलने की ट्रिक यह है, हाथ से ऐसे घिसेंगे तो इसके छिलके निकलते जाएंगे। तो देखिए, हमने रगड़ लिया पहले हाथ से और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दिया, तो जितने भी इसके एक्स्ट्रा छिलके हैं तो वो सारे ऊपर आ गए हैं। तो इन छिलकों को हम निकाल देते हैं। इस तरीके से इसका 3 से 4 बार पानी चेंज करेंगे तो पूरे छिलके निकल जाएंगे दाल के। अब इस दाल को हम पीस लेते हैं। ये बरी को बनाने के लिए हमें भूरे कुम्भड़े की ज़रूरत होगी। तो 1 kg उड़द दाल के लिए हमको 1 kg भूरा कुम्भड़ा लेना है। कुम्भड़े का छिलका हार्ड होता है, तो इसको आप सावधानी पूर्वक काटें। तो इसको हमने कट कर लिया है और इसका हम छिलका निकालते हैं। छिलका थोड़ा हार्ड होता है तो आप हंसिया वगैरह से निकाल सकते हैं। तो इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि इसको कद्दूकस करने में आसानी हो। तो मेरे यहाँ घर पर कद्दूकस करने के लिए ऐसा घुरनी होता है, तो उससे कर रही हूँ। कुम्भड़े में बहुत सारे बीज होते हैं, तो कद्दूकस करते टाइम इसके बीज आधे निकाल लेंगे हम। तो ये हमने सारे को कद्दूकस कर लिया है कुम्भड़े को। इसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो पानी निकालने के लिए एक नीचे बर्तन रख लिया, उसके ऊपर से एक कपड़ा, कपड़े में ऐसे कुम्भड़ा लेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसका पानी नहीं निचोड़ना है। इसका पानी निकाल दिया और इसको अलग से रख दिया हमने। इसका पानी हमको फेंकना नहीं है, बहुत ही यूज़ आएगा ये पानी। अब हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं बरी बनाने के लिए। हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मेथी और 4 टेबल स्पून जीरा ले लिया है। जीरा ज़्यादा अमाउंट में लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तवे में हल्का रोस्ट करेंगे धीमी आँच पर। ये थोड़ा सा भून लेते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा सौंधापन आ जाता है। इसको हमने रोस्ट कर लिया है तो इसको ठंडा हो जाने देते हैं। ये जब ठंडा हो गया था तो इसका हम पाउडर बना लेते हैं। चिकना पाउडर फॉर्म में इसको पीस लिया है। अब और भी मसाले इसके लिए तैयार करते हैं। तो ये हमने अदरक ले लिया है। अदरक और भी ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं आप। अदरक के साथ यदि आपको लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च डालना है तो वो ले सकते हैं। तो अदरक के छिलके निकाल लिया था और इसको भी हम पीस लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून हींग ले लिया है। हींग में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हींग घुल जाए। और ये भूरा कुम्भड़ा लिया था तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी था उसको निकाल लिया है। और इसका हम तरीके से पानी नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी रहने देंगे कुम्भड़े का। और इसमें बीज हैं, थोड़ी थोड़ी बीज रहने देंगे कुम्भड़े के। ज़्यादा बीज हो तो आप निकाल दें, आपकी पसंद के ऊपर है। यदि आप पूरे बीज निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी बीज रहते हैं तो अच्छा लगता है। और इसमें हमने दाल मिक्स कर दिया है। दाल को हमें थोड़ा सा दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है। यदि आप इसमें कद्दू का पानी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि कद्दू के पानी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यदि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सूखी है दाल मिक्स करने से, तो आप कद्दू का पानी मिला सकते हैं। ये वैसे तो मिक्स करते करते थोड़ी सी गीली होने लगती है। अब इसमें हमने जो मसाले तैयार किए हैं वो डालते हैं। जीरा और मेथी पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं। इस मसाले में आप कमी ना करें, जीरा ज़्यादा क्वांटिटी में रखें। और मेथी भी गर्म होता है, तो ये मेथी, अदरक, हींग ये सारे हमको सर्दी से बचाते हैं। तो ये हमने इसमें अदरक डाल दिया है और हींग वाला पानी। अब इसको मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, ये मेन प्रोसेस है बरी। यदि आपको अच्छी बनानी है तो इस ट्रिक को आपको ज़रूर करना होगा कि आपको 10 से 15 मिनट इसको मिनिमम तो फेंटना ही होगा। और इसको आप फेंटें तो बड़े बर्तन का ही यूज़ करें, क्योंकि बड़े बर्तन में हम इसको मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छे से फेंटते बनता है। ये गांव का देसी तरीका है बरी बनाने का गांव में, क्योंकि बहुत ही अच्छी बरी बनाई जाती है।
तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यदि आपके पास बरी देने के लिए ऐसा छिटवा है तो वो ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने कपड़ा डाल दिया है। आप बरी देने के लिए चटाई के ऊपर भी कपड़ा बिछाकर बरी दे सकते हैं। ये दाल अच्छे से फिटी या नहीं तो इसको चेक करने के लिए हमने पानी में ये बरी का पेस्ट डाल कर देखा। ये ऊपर पानी में तैर रहा है यानी कि अच्छे से फिटा है। यदि जब ये अच्छे से नहीं फिटा होता है तो पानी में ये डूब जाता है। यदि पानी में डूब रहा है तो इसका मतलब इसको आपको और अच्छे से फेंटना है। तो फ्रेंड्स, ये फेंटने की मेन ट्रिक है। यदि आपको बरी अच्छी बनानी है, सॉफ्ट बनानी है, तो आपको फेंटना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप छोटी बड़ी बरी दे सकते हैं और पानी में बीच बीच में हाथ डालते हैं तो ये मसाला हाथ में चिपकता नहीं, ये थोड़ा सा गीला ही रहता है। अब इसकी आप बड़ी बनाते जाएं, ये छोटी बड़ी जिस भी साइज़ की बनाना हो। हमारे यहाँ घर पर इस बड़ी को बड़ी बड़ी के नाम से जानते हैं तो इसको अक्सर बड़ी ही बनाते हैं, छोटी तो बनाते ही नहीं है। लेकिन आपको दिक्कत हो सुखाने की इसको तो आप छोटी छोटी साइज़ की भी बना सकते हैं। ये बड़ी आप सर्दी खांसी में खाएंगे तो आपको सर्दी खांसी से बचाएगा। बरसात और ठंड के सीज़न में तो आप इसे ज़रूर खाएँ क्योंकि सर्दी नहीं होने देता। तो देखिए, हम बड़ी बनाते जा रहे हैं। अब इस बरी को हम बनाकर सूखने के लिए डाल देते हैं। तो जित भी दिन आप बरी बनाएं तो कोशिश करें कि इसमें 2 घंटे की धूप लग जाए और 4 से 5 दिन के लिए हम इसको छत में सूखने के लिए डाल देते हैं। हमारे यहाँ इस समय ठंड के समय पर जिस भी घर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर छत में बरी भिजौरे इस समय बनाए जाते हैं। तो ऐसे हर घर पर आप देखेंगे तो बरी ही बरी दिखेंगी। इस तरीके से साल भर के लिए बरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। 3 से 4 दिन में ये बरी सूखकर रेडी हो जाती है। बहुत ही आसानी से देखिए निकालने पर निकल जाती है कपड़े से। ये बरी अक्सर ठंड के सीज़न में ही बनाई जाती है और इसकी सब्जी सच में खाने में काबिले तारीफ रखती है। जल्दी ही मैं इसका वीडियो शेयर करूँगी, इससे जो भी रेसिपी बनाई जाती है। और हमारे यहाँ जब भी किसी भी महिला को न्यू बॉर्न बेबी होता है तो इसको ज़रूर इसकी सब्जी बनाकर खिलाते हैं। यह दाल में डाल सकते हैं, कई रेसिपी बनती हैं क्योंकि ये गर्म होता है और आपको सर्दी खांसी से बचाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस बरी को बनाकर तो देखें, खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब और सच में आप ठंड में इसको डेली बनाकर खाएंगे, इसकी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हम जल्द ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।